नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष। आप देख रहे हैं क्वेश्चन आर भारत। आप लोगों को पता होगा कि अभी हाल ही में पता चला है कि अफगानिस्तान पे तालिबान का लगभग संपूर्ण कब्जा हो चुका है और वहाँ के प्रेसिडेंट साहब देश छोड़ के भाग चुके हैं। ऑफिशियली ये सब चीज़ें आ रही बाहर, और कैसे भी करके वहाँ के भारतीयों को यहाँ लाने की पूरी कोशिश हो रही है, एयरलिफ्ट किया जा रहा है। वहाँ के कई और लोग भी, अफगानी भी भारत आना चाहते हैं। थोड़ा इस मुद्दे को समय दीजिए और भारत का भी पक्ष सुनने की कोशिश करिए, एज अ मुस्लिम भी, एज अफगानी मुस्लिम भी, एज अ वो मुस्लिम जो चाहता तो है कि एक इस्लामी तरीके से वो रहे लेकिन भारत में रहे। तो कई सारे पर्सपेक्टिव हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और क्या भारत को इसमें फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या कश्मीर पे बात आएगी, क्या टेक है, कुछ चीज़ें थोड़ा लंबा हो सकता है, देखिएगा। पहली सिचुएशन तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका की लापरवाही है और उसका ये रिज़ल्ट है। दूसरी सिचुएशन ये कि लोगों को लगता है कि तालिबान वहाँ पे आ गया है और अब वो वहीं तक सीमित रह जाएगा, तो इसकी सबसे बड़ी गलती चाइना भी कर रहा है ये समझने की, और पाकिस्तान भी कर रहा है। उसका अगला निशाना पाकिस्तान भी हो सकता है, लेकिन अभी वो क्या करेगा कि एक बेवकूफ़ बनाने के लिए, शुगर कोटिंग करने के लिए कि हाँ सब भाई भाई, तो वो अग कश्मीर पे नज़र डालेगा, अपनी अगली नज़र कहेगा हम सब मिलके कश्मीर एक्वायर करते हैं, ठीक है। चाइना को भी उसका हिस्सा मिल जाएगा, तालिबान और पाकिस्तान मिलके पीओके और बाकी का बचा हुआ कश्मीर लेना चाहेंगे। लेकिन ये लोग भूल गए कि अगर कुछ ऐसा होता है, इस्लामी इस्लामी भाई भाई, मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई, मुस्लिम ब्रदरहुड उम्मा, तो तालिबान जैसी ऑर्गेनाइजेशन, तालिबान जैसा संगठन अफगानिस्तान के लोगों को इतना प्रताड़ित नहीं करता, वहाँ की बेटियों को बेचने के लिए नहीं एक्वायर करता, वहाँ की महिलाओं का रेप नहीं करता। वहाँ के लोगों का कत्लेआम नहीं करता जो वो कर रहा, बुचरिंग। तो ये भ्रम तो दूर हो जाना चाहिए अब तक सबका। दूसरी चीज़, ये जो एक नोशन चला हुआ आ रहा है कि भारत में भी कुछ लोगों को बहुत दिक्कत है, अगर कहा जाता है कि सामान्य नागरिक संहिता चाहिए, मतलब कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, भारत में रहना है तो भारत का कानून मानना, ना कि अपने चोचले चलाने हैं और अपने शरिया लॉ के अकॉर्डिंग रहना है, ठीक है। हिंदू ने इस बात को एग्री किया, हिंदू की सहमति है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड एग्री करते हैं। मुसलमान नहीं चाहता, मुसलमान को शरिया चाहिए, मुसलमान को अपनी मनमानी करनी है। लेकिन ये वही मुसलमान है ना, ये वही मुसलमान मेंटालिटी वाले लोग हैं ना जो अफगानिस्तान से भाग के आ रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान तो कह रहा है हम यहाँ शरिया लागू करेंगे, हम यहाँ शरिया के अकॉर्डिंग जितने भी काटना मारना शादी रेप बलात्कार जो भी चीज़ें होती हैं शरिया के अकॉर्डिंग सब कुछ हो जाएगा ना। पूरा इस्लामीकरण तो कर रहे हैं वो, असली वाला इस्लाम स्थापित करना चाहते हैं, फिर दिक्कत क्या है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा दिक्कत क्या है। वहाँ आपको बुरखा भी दिया जाता है, वहाँ संगठन भी नहीं कोई RSS की, वहाँ आपको कोई फोर्स भी नहीं कर रहा जैसे राम बोलने को, वहाँ इस्लाम का जो टू द प्योरेस्ट फॉर्म है वो तालिबान लागू करना चाहता है। फिर यहाँ आने के लिए अफगान के लोग क्यों, मतलब वो लोग जो उनको शरिया भी चाहिए पर भारत भी चाहिए, उनसे मेरा सवाल है। लेकिन जिनको शरिया से प्रॉब्लम है लेकिन भारत आना चाहते हैं तो ठीक, लेकिन फिर अगर आके अगर आप अब मैनिपुलेटेड हो जाते हैं और फिर यू नो एक स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं कि हम एक्टिव हो गए, अब हम मुसलमान हैं, अब हमें शरिया चाहिए, तो ये थोड़ी दिक्कत की बात है और हमें ये एक्सेप्ट नहीं है। तो भारत का मत यहाँ ये है, एज एन इंडियन मैं पूरे देश को रिप्रेजेंट शायद ना कर पाऊँ, ठीक है, मैं एक अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ कि मैं एज अ देशवासी मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसे एलिमेंट्स मेरे देश में आए जो पहले विक्टिम कार्ड खेल के कि मैं प्रताड़ित हो गया हूँ, मेरे पे बहुत अत्याचार हुआ है, हमें शरण दीजिए, और जैसे ही मौका मिले काट खाए, जैसे ही मौका मिले शरिया की मांग कर दे, जैसे ही मौका मिले एक नए देश की मांग कर दे। दूसरी चीज़, एक तस्वीर और आ रही है और कहा जा रहा है कि ये वहाँ का आखिरी पुजारी है जो कह रहा है कि हमारे पूर्वजों ने यहाँ की सेवा की है, इस मंदिर की, इस देवी देवता की, हम नहीं जाएंगे छोड़ के, मरते दम तक नहीं जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई और ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है जिसको अपनी ज़मीन से इतना प्यार हो, अपने उस कितनी बड़ी लैंड उसने रखी होगी पूजा पाठ के लिए, और कितना बड़ा कोई एक्विजिशन होगा, कितनी वेल्थ होगी जो नहीं आना चाहता, सिर्फ उसकी आस्था है, उस कुछ परंपरा चली आ रही है।
खैर अफगानिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था कभी, ये भी कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन जो लोग ये मान के चलते हैं अफगानिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, मेरा देश है, वो कैसे छोड़ के आ रहे हैं? अब वहाँ के लोगों को आज़ादी नहीं चाहिए, ठीक है? कश्मीर के लिए तो बहुत कहते हैं ना लोग कि कश्मीरियों को आज़ादी चाहिए, अफगानियों को आज़ादी नहीं चाहिए तालिबान से? अफगानी अब अफगानी मतलब अब वो मुसलमान, डरा हुआ मुसलमान पत्थर क्यों नहीं उठाता अफगानी फोर्स के खिलाफ? यहाँ तो कश्मीर में कश्मीरी आज़ादी के लिए पत्थरबाजी करने लग जाते हैं, तो वो भाई फ्रीडम फाइटर्स हैं कुछ लोगों के लिए, जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल सेकुलर लिबरल तमाम, तो अफगान की जनता में अभी सेंस नहीं है शायद, है ना? उन्होंने चुना कि वो अपनी मातृभूमि छोड़ना पसंद करेंगे, इसका भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इस हद तक लोग बेताब हैं कि प्लेनों में ठूस ठूस के चढ़ रहे हैं और वहाँ से गिर भी रहे हैं। ऐसी भी वीडियोज़ हैं कि कहीं छुप के कहीं अटक गए, प्लेन उड़ रहा पूरी ऊंचाई से वो गिर गए, दो लोग गिरे, इसकी भी वीडियो वायरल हो रही है। खैर अब भारत के लिए नई चुनौतियाँ पैदा हो ही चुकी हैं, अब चाइना अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिलके अपनी मनमानी करना चाहेंगे, भारत प्रेशर बनाना चाहेंगे। थ्री फ्रंट के लिए वैसे कई बार कहा जा चुका है कि हम लोग ऑलरेडी रेडी हैं, लेकिन अगर थ्री फ्रंट ऐसा है जिसमें से दो फ्रंट मनमानी भी करेगा, पिटने के बाद विक्टिम कार्ड भी खेलेगा, यूएन में रोना भी करेगा, देखो भारत ने पीट दिया, भारत ने पीट दिया, मुस्लिमों पर अत्याचार, मुस्लिमों पर अत्याचार, तो फेयर फाइट अगर होगी तो हम देख लेंगे, अगर फेयर फाइट नहीं होगी थोड़ी मुश्किलें आएंगी, लेकिन देख तब भी लें। तो इस बात के लिए भारतवासियों को कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अब आगे लड़ाई कठिन होने वाली है, अगर भारत ने कड़े रुख नहीं अपनाए कि ऐसों को पीटना है का मतलब पीटना है, और असामाजिक तत्वों को भारत के अंदर अफगानिस्तान से ना लाया जाए, इसका थोड़ा फिल्टर एक होना चाहिए, एक फिल्ट्रेशन कि हम जब प्लेन में एंट्री लेंगे तो हम तय करेंगे कि कैसे लोग आएं, समझदार को इशारा काफ़ी होना चाहिए, सबको पकड़ के मत लाइए, ये धर्मशाला नहीं है। जिसने चुना कि वो वहाँ जाएगा, किन्हीं कारणों से रहेगा, उसको अपना देश मानेगा, वहाँ पे उसको शरिया चाहिए, वहाँ पे उसको बुरखा पहन के रहना है, वहाँ पे उसको सारा इस्लामिक चीज़ करना है, और अब देख रहा है कि हाँ अब तो इस्लाम प्योर फॉर्म में लागू होने जा रहा है, तो हमें थोड़ा कम प्योर फॉर्म वाला चाहिए, लेकिन हम कहीं और जाके प्योर फॉर्म वाला ही मांगेंगे। वैसे लोगों से थोड़ा अगर दूर रहे भारत सरकार और उन्हें ना लाए तो हिंदुओं पर बड़ी कृपा होगी। बाकी इन जनरल अफगानी जनता से भारत को कोई आपत्ति नहीं है, भारत ने हमेशा अफगानिस्तान में बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, जिसके ऊपर वो लोग भी तबाही मचा रहे हैं, तालिबान वाले भी, तो इनफैक्ट देखा जाए तो भारत का नुकसान ही हुआ है। भारत का एक इतना अच्छा मित्र था अफगानिस्तान, भारत की धरती थी वो भाई, तो खैर भारत अफगानिस्तान के लिए खड़ा है। लेकिन द थिंग इज़, अगर भारत सरकार इसको स्ट्रिक्टली ले, मॉनिटर करे, पीटना शुरू करे, अगर भारत चाह देगा तो डिप्लोमेसी से, पॉलिटिकल विल से और स्ट्रेंथ से, शक्ति से, आर्मी स्ट्रेंथ से, वो तालिबान को खदेड़ ही नहीं सकता, ख़त्म भी कर सकता है, बस एक जंग छेड़ के। मैं भारत की सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि शायद ये वो भी मौका है कि हम अफगानिस्तान ले सकें, क्योंकि अब अफगानिस्तान आतंकी शक्तियों के हाथ में है, आतंकी शक्तियों से मुक्त करा के हम उसको अपने देश का हिस्सा बना सकते हैं, शायद ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और शायद यही रास्ता खोलेगा अखंड भारत का, यूनाइटेड इंडिया का। इस वीडियो में इतना ही, आगे जो भी होगा आपसे बात करते रहेंगे। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कोई अफगानिस्तान से देख रहा हो तो अपना कमेंट जरूर बताएं, और आपका अफगानिस्तान के पूरे मुद्दे पे, तालिबान की पूरी हरकत पे क्या ओपिनियन है जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले। जय हिंद, वंदे मातरम।